भारत में सीप्लेन अब हकीकत बनने वाला है। अब जल्द ही भारत में सीप्लेन आपको हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी पहले सीप्लेन का शुभारंभ करेंगे। देश का पहला सीप्लेन स्टैचू ऑफ यूनिटी से साबरमती तक उड़ेगा, जो 205 किलोमीटर की दूरी को 30 से 40 मिनट में तय करेगा। सीप्लेन में एक साथ 12 यात्री सफर कर सकेंगे। सीप्लेन में सफर के लिए 4800 रुपए का किराया चुकाना होगा। बताया जा रहा है कि भारत का पहला सीप्लेन मालदीव से आएगा। स्पाइस जेट को इस सीप्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। आगे चलकर मांग को देखते हुए करीब 10 सीप्लेन और स्टैचू ऑफ यूनिटी से साबरमती रूट पर चलाए जाएंगे। ये सीप्लेन उड़ान योजना के तहत लाए जा रहे हैं। गुजरात के अलावा गुवाहाटी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, यमुना से उत्तराखंड के टप्पर बांध तक सीप्लेन चलाने की योजना चल रही है। सीप्लेन योजना प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। साल 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीप्लेन में बैठकर अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट तक का सफर तय किया था। तभी सरकार ने इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ जोड़ने का फैसला कर लिया था। सीप्लेन अपने आप में एक खास तरह के विमान होते हैं। ये जमीन पानी दोनों से उड़ान भर सकते हैं। सीप्लेन को पानी और जमीन पर लैंड कराया जा सकता है। ये महज 300 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकते हैं। सीप्लेन की अधिकतम स्पीड 339 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी ये सीप्लेन सिर्फ गुजरात में उड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये देश के बड़े बड़े शहरों के बीच उड़ेंगे। इससे यात्रियों का समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ टूरिज्म को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।